सभी प्रकृति प्रेमियों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नेचर लवर अज्जू के एक और नए वीडियो में। साथियों, कंटिन्यू बारिश जो है यहाँ पे हो रही थी लगभग 7 से 8 दिनों से। बारिश के पानी में देखिए मेरा जो ये स्पाइडर प्लांट है कितना अच्छा हो गया, हरा भरा हो गया है। पहले थोड़ा सा लगी लगी सा हो गया था और पत्ते जो हैं सूख रहे थे, लेकिन अभी बारिश के पानी में ये काफ़ी अच्छा हो चुका है। बारिश होती है तो ऐसे भी पौधे जो हैं ना वो खिल से जाते हैं। और ये मैंने कटिंग से लगाया था, ये देख सकते हैं ये जो लकी बम्बू है ये कटिंग से 3 लगाया था, तीनों और काफ़ी अच्छे ग्रो कर गए हैं। पत्ते देखिए काफ़ी हरे भरे हैं, ये थोड़े से पीले पड़ गए हैं, ये ओवर वाटरिंग की वजह से होगा। पानी जो है कंटिन्यू गिर रहा था और बाहर में ही था ये, इसलिए ऐसा हो गया है। ये वाला जो प्लांट है ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ था। ये है मेरा चांदनी का प्लांट और ये पेंटास। पेंटास में देखिए काफ़ी खूबसूरत फ्लावर जो हैं ये इस तरह से आते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये 3 या 4 कलर के आते हैं पेंटास के, तो इसका सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा। खैर, आज के वीडियो में मैं प्लांट के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। मैंने ये दो प्लांट जो हैं वो ऑर्डर किए थे लाइव प्लांट अमेजन से, तो वो आए हुए हैं। कौन से प्लांट है वो देखते हैं। अभी इसको ओपन करता हूँ मैं, तो ओपन करते हैं अभी बॉक्स को और देखते हैं प्लांट की कंडीशन जो है वो किस तरह से है। सबसे पहले ये जो बड़ा वाला है इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ, मेरा कटर। दूसरा वाला जो कटर है जो यूज करता हूँ अक्सर मैं अनबॉक्सिंग के लिए, वो कटर मुझे नहीं मिला, तो ये वाले से मैं अभी काम चला रहा हूँ। और ये है प्लांट अंदर में, देखिए किस तरह से है। ओके, निकालते हैं इसको बाहर थोड़ा केयरफुली। ओ भाई साहब, निकल जाओ निकल जाओ। यस, ये निकल गया, बॉक्स में और कुछ नहीं है। तो ये जो है वाइट मैक्सिकन पिटूनिया है, प्लांट की हालत देख सकते हैं। पैकिंग जो है काफ़ी अच्छा करके दिए हैं। और ये जो पॉट है, लास्ट टाइम जो आया था वो पॉट सही नहीं था, लेकिन ये पॉट बहुत अच्छा है। तो ये मैक्सिकन पिटूनिया है वाइट कलर का, बहुत ही अच्छे रेट में मुझे मिल गया था, तो मैं इसको मंगा लिया। क्योंकि यहाँ पे नर्सरी जो है वहाँ पे अवेलेबल नहीं था नर्सरी में। मेरे पास पिंक कलर का है मैक्सिकन पिटूनिया, अगर आप लोग देखे होंगे वीडियो में, अगर पुराने व्यूअर्स हैं मेरे तो आप लोगों को पता होगा कि पिंक कलर का जो मैक्सिकन पिटूनिया है वो मेरे पास में है। इसको एक बार पूरा ओपन कर लेते हैं और इसको अभी कुछ दिनों के लिए हम रखेंगे इधर ही, क्योंकि ये इस माहौल में सेट हो जाएगा। पैकिंग जो है ना बहुत ही अच्छा करके दिया हुआ है, ये देख सकते हैं पूरा पैक है पॉलीथीन से। और मिट्टी तो वैसा मिट्टी नहीं देते हैं, ये बहुत ही लाइट वेट मिट्टी रहता है, क्योंकि प्लांट जो है उसको शिपिंग करना होता है तो लाइट वेट ही देते हैं। तो इसको मुझे ना रिपोर्ट करना होगा बहुत जल्दी। फिलहाल अभी मैं 1 से 2 दिन के लिए इसको ऐसे ही रखने वाला हूँ। इसको थोड़ा सा प्रेस कर देता हूँ ताकि जो गैप होगा ऑक्सीजन्स होंगे वो निकल जाएँ इससे। उसके बाद 1 से 2 दिन रखने के बाद, क्योंकि प्लांट जो है यहाँ पे मेरे जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट हो जाएं, उसके बाद मैं इसको रिपोर्ट करूँगा, दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगा। वैसे ये जो पॉट है इसमें भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है, पॉट बहुत अच्छा है। लास्ट वाला जो पॉट था वो बहुत ख़राब था, लेकिन ये पॉट जो है ना बहुत अच्छा आया हुआ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये पॉट, देख सकते हैं। ये प्लांट तो काफ़ी हेल्दी है, दिख ही रहा है आपको, बस थोड़ा सा जो पत्तियाँ हैं वो पीली पड़ गई हैं। ट्रांजिट में रहता है ना बहुत दिनों तक, तो उसमें हो जाता है, क्योंकि कोरियर में इतने दिन रहेगा प्लांट अंदर पैक रहता है, कुछ नहीं मिलता है। दूसरा वाला भी जो है मैं ओपन कर लेता हूँ। एक तो आपने देख लिया मैक्सिकन पिटूनिया है, वो वाइट कलर का मैंने ऑर्डर किया था। और इसमें कौन सा प्लांट निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए इस प्लांट की हालत जो है वो थोड़ी सही नहीं लग रही है, बट कोई नहीं, देखते हैं निकालते हैं। इसकी भी जो पैकिंग है ना काफ़ी अच्छी है लग रहा है। ये है कुछ पेपर्स जो हैं आए हुए हैं और ये देखिए किस तरह से पैकिंग करके जो है वो दिया गया था, काफ़ी अच्छा है। मतलब इस तरह से पैक होके आता है ना अमेजन से। एक बात तो है, अगर आप लाइव प्लांट लेना चाहते हैं ना तो अमेजन से बहुत अच्छे आते हैं। एक बार इसको रखता हूँ साइड में, देखते हैं पेपर्स क्या आया हुआ है। अच्छा, तो ये है टैक्स इनवाइस है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। और एक और पेपर है, इसमें क्या है वो देख लेते हैं एक बार के लिए। अब तो इसमें दिया हुआ है प्लीज़ फॉलो दिस केयर इंस्ट्रक्शन टू कीप इट
हैप्पी एंड हेल्दी, मतलब इसका केयर टिप्स जो है, इसकी देखभाल कैसे करनी है, क्या करनी है वो दिया हुआ है, कैसे खोलना है। यहाँ लिखा हुआ है यह पौधा एक लंबी यात्रा के बाद आप तक पहुँचाया गया है। जेट प्लांट एक छोटे डिब्बे में पैक किया गया है। प्रारंभ के दिनों में इस पौधे की देखभाल करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो बाकी जो डिटेल है ना, ये देख सकते हैं आप, पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए और पढ़ लीजिए जो भी डिटेल है इसमें दिया हुआ है, हमको इसकी देखभाल केयर कैसे करनी है। ये अच्छा है, सारे के साथ में नहीं आता है, लेकिन इसके साथ में ये केयर टिप्स के साथ में आया हुआ है। और पैकिंग देखिए काफ़ी कमाल की है, और छोटा सा पॉट है इसमें भी। इसको भी एक बार कट करता हूँ और निकाल लेता हूँ मैं। हालांकि जो प्लांट है वो सही नहीं है, देखिए एक प्लांट को ऐसे ही दे दिया गया है। एक तो इसमें लगा हुआ है, अच्छा ये लगा हुआ ये प्लांट है, ये जो है ना फ्री में आया है, शायद एलोवेरा है, एलोवेरा का छोटा सा प्लांट है, ये फ्री में आया है। तो इसको मैं लगा देता हूँ किसी पॉट में। एक काम करता हूँ, ये जो है इसमें मैंने कटिंग लगाया था तो इसी में मैं इसको लगा देता हूँ, क्योंकि ये सैंड है। चलो ये एलोवेरा जो है हमें फ्री में मिल गया है। ये है क्रेसुला प्लांट। क्रेसुला प्लांट जो है बहुत ही शुभ माना जाता है वास्तु के हिसाब से, और कहा जाता है कि ये प्लांट रखने से जो धन है ना संचय होता है, पैसा आता है, जैसे मनी प्लांट हम लोग रखते हैं। ये मनी प्लांट भी एक मैंने लगाया हुआ है, देख सकते हैं ये। तो जैसे मनी प्लांट हम लगाते हैं उसी तरह क्रेसुला जो है ये भी बहुत ही लकी और शुभ माना जाता है। इसकी भी जो पैकिंग है बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया, देख सकते हैं कैसे पैक होके आया हुआ है। हालांकि जो भी आप लाइव प्लांट मंगाते हैं ना उसमें सॉइल नहीं रहता है, क्योंकि सॉइल जो है हैवी होता है। ये टिश्यू पेपर को डाला गया है यहाँ पे, तो इसको आराम आराम हौले हौले से अपन ओपन कर लेते हैं, क्योंकि अगर हड़बड़ी करेंगे तो कहीं प्लांट जो है हमारा डैमेज ना हो जाए। बहुत ही अच्छी पैकिंग होती है अमेजन वालों की। मैंने जितने भी प्लांट मंगाए, मैंने 7 से 8 प्लांट जो है वो मंगाए होंगे, वो भी लाइव प्लांट मंगाए हैं। आप लोग सोचते होंगे लाइव प्लांट कैसे आता होगा, लेकिन देखिए आपके सामने में है लाइव प्लांट जो है किस तरह से आता है, और पैकिंग जो है वो किस तरह से रहती है। एक पत्ती जो है ये टूट गया, कोई नहीं। तो ये देखिए ये गत्ता जो है वो भी लगाया गया है इसमें, तो इसको भी जो है मैं निकाल लेता हूँ हौले से। और ये दो पत्तियाँ जो हैं वो टूट गई मेरी, एक पत्ती है एक पत्ती है। मैं कोशिश करूंगा इन पत्तों से जो है ना इसको ग्रो करने का। तो फिलहाल तो मैं इसको 1 से 2 दिन के लिए ऐसी रखने वाला हूं, प्लांट जो है यहां के एटमॉस्फेयर से सेट हो जाए, उसके बाद मैं इसको मैं रिपोर्ट करूंगा। तो ये दोनों प्लांट जो है मैंने अमेजन से मंगाया, और काफ़ी अच्छे रेट में मिले, ऑफ़र चल रहा था। हालाँकि इस प्लांट का रेट जो है ज़्यादा है, बट ऑफ़र में ये मुझे बहुत ही सस्ते में मिल गए हैं, इसलिए मैंने इसको ले लिया, परचेस कर लिया। तो ये था मेरा अमेजन से शॉपिंग का वीडियो। ये दोनों प्लांट जो है मैंने अमेजन से शॉपिंग किया। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो रिव्यू वगैरह देख के ले सकते हैं, बहुत सारे प्लांट जो हैं बहुत अच्छे आ जाते हैं। आई होप आप लोगों को आज का यह जो शॉपिंग वाला वीडियो है पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह के प्लांट्स एंड नेचर के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो हैं आप लोगों को मिलते रहें। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।